आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, इनफ्लोरेसेंस हैविंग अ फ्लैटेंड एक्सिस, सेसाइल फ्लावर्स एंड अ होल ऑफ इन वोलोक्युलर ब्रैक्ट्स इज, यानी कि इन चारों इन्फ्लोरेसेंसेस में से ऐसी कौन सी इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें फ्लैटेंड एक्सिस प्रेजेंट है, उसके जो फ्लावर्स हैं वो सेसाइल हैं और उसमें एक होल ऑफ इन्वोलोक्युलर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट है। तो ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो फ्लैटेंड एक्सिस का हमें पता है कि जो एक्सिस है वो एक फ्लैट स्ट्रक्चर है जो कि अपने ऊपर और फ्लोरल पार्ट्स बियर करता है। सेसाइल फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? सेसाइल फ्लावर्स का मतलब होता है ऐसे फ्लावर्स जिनमें पेडिसिल प्रेजेंट नहीं होता। और होल ऑफ इनवोलोक्युलर ब्रैक्ट्स का मतलब क्या है कि उसमें बहुत सारे ब्रैक्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जो इन्फ्लोरेसेंस हमें दी गई है, अम्बल इन्फ्लोरेसेंस, वो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। अब अम्बल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस में जो स्टॉक्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। और वो कहाँ से अराइज करते हैं? वो एक कॉमन सेंटर से अराइज करते हैं। और इसमें जो एक्सिस होता है वो फ्लैटेंड हो ये ज़रूरी नहीं है, इसमें जो एक्सिस होता है वो कर्व्ड होता है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड में हमें दिया गया है हेड और कैपिटलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो एक हेड टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है। ये जो ऊपर स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं उन्हें कैपिटलम कहा जाता है। तो जो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस है उसमें फ्लैटेंड एक्सिस भी प्रेजेंट है, जो फ्लावर्स हैं वो सेसाइल हैं और ये अपीयर हो रहे हैं एक होल ऑफ इन्वोलोक्युलर ब्रैक्ट्स की तरह। तो जो ऑप्शन नंबर सेकेंड है हेड और कैपिटलम, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड में हमें दिया गया था कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस। तो जो कोरिम्ब इन्फ्लोरेसेंस होती है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो सेसाइल नहीं होते, तो इसीलिए जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये हमारा आंसर नहीं है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें दिया गया था रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है क्योंकि इसके भी जो फ्लावर्स होते हैं वो पेडिसिलेट फ्लावर्स होते हैं, पेडिसिलेट फ्लावर्स, तो ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, हेड और कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो इन्फ्लोरेसेंस है ये एक हेड या फिर इन्हीं हेड स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है कैपिटुलम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शो कर रही है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।